तो नमस्कार दोस्तों, जॉब गर्ल स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग ने कमेंट करके हमसे रिक्वेस्ट किया था कि हम टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो अपलोड करें, तो देखिए हम यहाँ पे आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस की कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन लेकर के आए हैं राकेश यादव सर की बुक की, जो कि उनकी क्लास नोट और अभी जो उनकी नई बुक निकली है स्टडी मटेरियल फॉर मैथमेटिक्स, जो कि अर्थमेटिक की सामने आप देख सकते हैं ये जो एक नई बुक निकाली हो, जो अपने कोचिंग सेंटर में ही बस प्रोवाइड करते हैं इस बुक को। तो वैसे क्लास नोट्स और इसके बीच में कोई फ़र्क नहीं, सब में एक ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए, जो सीट प्रोवाइड करते हैं, तो अगर जो आप लोग कोचिंग भी कर रहे हो तो आपकी जो दिक्कतें होंगी इस वीडियो सेशन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। सारे वीडियो सोल्यूशन एज पर राकेश यादव मेथड मैं आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड? तो हमारे साथ बने रहिएगा और आप सभी का सपोर्ट के कारण ही मैं ये सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप कमेंट करके बताइएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस के बाद आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, ठीक है फ्रेंड? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हम अपना वीडियो, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट वन, ठीक है? टाइम एंड डिस्टेंस की पार्ट वन हम आज करने जा रहे हैं। तो देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस की सबसे पहली क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विथ एक्स किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विथ वाई किलोमीटर पर आवर एंड ही टेक टी आवर्स टू गो एंड कम बैक, यानी कि टोटल टाइम उसे टी लगता है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है फ्रेंड? डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इंटू टाइम, बट यहाँ पे बताया गया है कि एक मैन है वो एक्स किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, फिर वाई किलोमीटर पर आवर से वो वापस आ रहा है, ठीक है? और वो टोटल टाइम लगा रहा है टी, टोटल टाइम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, टोटल टाइम टी लगा रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा? तो इसका एक फार्मूला है जो कि हमारे पूरे चैप्टर में यूज होगा, ठीक है? इसका एक फार्मूला जो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, डिस्टेंस हो जाएगा एस वन इंटू एस टू बाय एस वन प्लस एस टू इंटू टोटल टाइम टी, ओके? ये फार्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन होगा वो आप मिलाते रहेगा, सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग से क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन है उनकी बुक का, क्लास नोट्स का, आप मैच करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो देखिए, ये हो गया फार्मूला हमारे पास। तो देखिए, इसमें समझना क्या है, यहाँ पर जो टोटल टाइम यानी कि आने जाने, देखिए कम और बैक, ठीक है, टोटल टाइम आने जाने की टोटल टाइम बस टी दिया रहेगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर जो टाइम में कुछ डिफरेंसेस रहेंगे तो उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए, पहला का ये फार्मूला था, ये क्वेश्चन नहीं था, ये बस फार्मूला के लिए मैं क्वेश्चन दिया गया था फार्मूला समझने के लिए। तो ये हो गया फार्मूला, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा, किसी तरह की कठिनाई नहीं आ रही होगी। अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स? और आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि मुझे और उत्साह मिले और मैं आप सभी के लिए पूरे कंप्लीट वीडियो आपको अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है? तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, ए बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, बॉय है, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और वो वापस आ जाता है, सेम वापस आ जाता है वही बॉय स्कूल से घर आ जाता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ जाता है और इसे इस टोटल प्रोसेस में टोटल टाइम जो लगती है वो है 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स उसे लगती है। तो पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम विलेज टू स्कूल। तो देखिए, अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 2 करेंगे और इसे हम ऐड भी कर देंगे 3 + 2, ठीक है फ्रेंड? जैसे कि मैंने पिछला फार्मूला में आपको बताया, आपको समझने वाला था, देख लीजिएगा पीछे, टाइम अगर जो सेम रहेगा तब, यानी कि टोटल टाइम दिया रहेगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया और हम इसमें टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आवर, ठीक है, 5 आवर यहाँ पे टोटल टाइम है। तो आप देख रहे होंगे 3 + 2 ये 5 हो जाता है, ये 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 × 2 = 6, तो 6 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस स्कूल से लेके होम तक की। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए मैन ट्रैवल, देखिए ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है, देखिएगा ध्यान से, ए मैन ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, एक आदमी है वो ट्रेन से कुछ डिस्टेंस तय करता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और फिर वो वापस उसी डिस्टेंस को आता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल आता है, ठीक है, वॉक करके आता है। तो होल जर्नी को कवर करने में जिसको टोटल टाइम लगता है वो है 5 आवर 48 मिनट, ठीक है, 5 आवर 48 मिनट उसे टोटल लगता है। तो हमें इसकी टोटल डिस्टेंस निकालनी है
जो ट्रेन से उसने तय किए, ठीक है, व्हाट डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन, ये ट्रेन की डिस्टेंस ये है या फिर वॉक की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस सेम ही है, हमें इसकी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइम दिया गया है 5 hours and 48 minutes, तो हम ये 48 मिनट को अब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा वो देखिए। तो देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड है, दोनों की स्पीड को हमें मल्टीप्लाई करनी थी, तो 25 into 4 by, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये 12 4 times जाएगा, ये 12 5 times जाएगा, ठीक है, तो यानी कि 4 by 5, यानी कि 5 और 4 by 5। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 जो 25 होती, 25 plus 4 29, ठीक है, 29 by 5, ये हमारे पास टाइम टोटल निकल के आ जा रहा है। देखिए ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने के बाद हमें दोनों डिस्टेंस को ऐड भी करना है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 25 प्लस 4 तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 29 इनटू, यहाँ पे हमने टोटल टाइम निकाला 29 by 5, ठीक है, तो 29 से 29 कैंसिल हो गया, 5 से 5 times ये चले जाएगा, 5 into 4 हो जाएगी 20, यानी कि 20 किलोमीटर इसकी आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है स्कूल से लेकर के होम तक की, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फ्रेंड मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करनी है, ठीक है। और आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मैं और आगे से अदब सर की कंप्लीट वीडियो हर चैप्टर की आपको मैं लेकर के आऊँ और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है मैं, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 है। आप क्वेश्चन मिलाते रहेगा अपने बुक से, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे क्लास नोट से ही है, ठीक है फ्रेंड, आपको मैं कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं, सेम राकेश यादव सर की बुक की क्वेश्चन है और सेम उनकी ही मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ए मैन गो ए सर्टेन डिस्टेंस विथ एक्स किलोमीटर एंड ही कम बैक विथ ए स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर, इफ़ ही टेक्स टी आवर मोर टू कम बैक देन गो, फाइंड द डिस्टेंस। देखिए पहले वाले से इसमें क्या चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए दो डिस्टेंस तो है ये, दो डिस्टेंस तो सेम है, एक एक्स है और आता है वाई से, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर टोटल टाइम नहीं है, यहाँ पर टाइम पर कुछ बदलाव आ रहा है, यानी कि वो टाइम इफ़ ही टेक टी आवर मोर टू कम, यानी कि टी टाइम, यानी कि टोटल टाइम टी था, ठीक है, बट वो अब टी टाइम और स्मॉल टी टाइम और एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है, स्मॉल टी टाइम और एक्स्ट्रा ले रहा है वो आने में। तो अब इस पर हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लिखेंगे स्पीड 1 into speed 2 by speed 1 minus speed 2 into टाइम डिफरेंस, ठीक है, टाइम डिफरेंस ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 1 के, ठीक है फ्रेंड। यानी कि अगर जो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए रहे जिसमें दो तरह की डिस्टेंस दी होगी, यानी कि सेम वो डिस्टेंस को इतने से इतने में आता है और उसकी दोनों डिस्टेंस की हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस हम किस तरह से निकालेंगे, जो बड़ा डिस्टेंस रहेगा उसमें से हम छोटे को माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने S1 माइनस S2 लिखा, बट किसी सिचुएशन में S2 S1 से बड़ा होगा, तो उस सिचुएशन में हम S2 माइनस S1 लिख देंगे। और टाइम डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे वो आगे क्वेश्चन में आप आसानी से समझ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन बनाते रहेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं इस फार्मूला को अब क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, आप मिलाते रहिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस, अपने हाउस से वो ऑफिस तक जाता है कुछ सर्टेन डिस्टेंस को कवर करते हुए, तो वो लगाता है अगर जो इफ़ ही ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर, पहले वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, और तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, 10 मिनट लेट हो जाता है वो, और फिर अगर जो वो चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो वो 5 मिनट जल्दी हो जाता है, 5 मिनट अर्ली, ठीक है, 5 मिनट अर्ली हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखिए अगर जो लेट और अर्ली का केस आएगा तो इसमें हम जो टाइम होता है टाइम को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है,
टाइम को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि कोई भी दो सिचुएशन आएगा जिसमें लेट अर्ली या फिर अर्ली या लेट आएगा तो उसमें हम टाइम को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो दोनों एक ही रहेगा तो उसमें हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर जो देखिए, अगर जो लेट और लेट और लेट रहेगा तो हम इसमें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर जो अर्ली और अर्ली रहेगा तो भी हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे जब दो सिचुएशन दिया रहा है जिसमें लेट और अर्ली की सिचुएशन दिया रहेगा तो उसमें हम ऐड कर लेंगे। बस आप इसे याद रखिए अच्छे से, आपकी सारी क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसमें लेट और अर्ली की कैसे है तो हम इसमें टाइम और डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो हमने क्या बताया, दोनों S1 इनटू S2 बताया था। तो यहाँ पे पहला है 30 किलोमीटर, फिर दूसरा है 40 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 × 40 किलोमीटर बाय क्या बताया था, S1 - S2, यानी कि बड़े में से छोटे डिस्टेंस को घटा दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 किलोमीटर। और टाइम की हम बात करेंगे, ठीक है, टाइम की हम जब बात कर रहे हैं कि टाइम कैसे निकाले, तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि अगर जो लेट और अर्ली की केस होगी, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटी होगी लेट और अर्ली, ठीक है, ये लेट हो गया और ये हो गया यहाँ पे अर्ली, तो डिफरेंट क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसमें हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 10 मिनट और 5 मिनट कितनी हो जाएगी, 15 मिनट, 15 मिनट। और आंसर हमें आवर में निकालनी है तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 60 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 15 से काटेंगे, 15 × 15 और 15 × 60, ठीक है। फिर यहाँ 4 है, 4 से हम इसे काट देते हैं, 4 × 10 = 40, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर ये 10 से 10 कट जाएगा और बच जाएगा हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 30। तो यानी कि 30 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन की। देखिए काफ़ी सिंपल सी है, जितने प्रैक्टिस करेंगे आप उतने समझते जाएंगे, बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे ए स्टूडेंट वॉक 2.5 किलोमीटर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट लेट। यानी कि एक स्टूडेंट चलता है, ठीक है, घर से स्कूल की तरफ स्टूडेंट चलता है, तो वो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2.5 किलोमीटर वो जब चलता है घर से स्कूल की तरफ में, तो वो क्या हो जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है। 6 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है, 6 मिनट लेट हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो अपने स्पीड को, इसका मतलब इंक्रीज, नेक्स्ट डे अगर जो वो अपने स्पीड को इंक्रीज करता है 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले 2.5 था तो उस पर 1 किलोमीटर की इंक्रीज कर देता है, तो अब क्या हो जाएगा, 2.5 + 1 हो जाएगा हमारे पास 3.5 किलोमीटर, ठीक है। तो वो स्कूल 6 मिनट अर्ली पहुँच जाएगा, पहले लेट पहुँच रहा था, अब 6 मिनट अर्ली पहुँच रहा है, ठीक है, 6 मिनट अर्ली पहुँच रहा है। तो इस स्थिति में हमें निकालना है स्कूल से उसकी घर के डिस्टेंस, स्कूल से उसकी घर की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों स्पीड हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2.5 और 3, पर देखिए पॉइंट पे है तो डेसिमल को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए इसे फ्रैक्शन में बनाने का, क्योंकि इससे आपका आंसर बहुत ही आसानी से बन जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 और 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। तो ये हो गया हमारे दोनों के डिस्टेंस, और दोनों की माइनस हम करेंगे तो 2.5 से 3.5 जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा ना, तो हम यहाँ पे नीचे 1 लिखेंगे और इनटू कर देंगे टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ पे लेट और अर्ली का कैसे, तो यहाँ पे 12 मिनट और आवर में बदलने के लिए 60 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे अगर जो हम डिवाइड करेंगे तो 12 × 12 = 60, ठीक है, 12 × 60 हो गया, और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 × 2, यानी कि 4। ये एक का कोई वैल्यू नहीं, तो किसी नंबर बाय 1 हम कर देते हैं, तो 1 कैंसिल समझ लीजिए, बस 1 को आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 से 5 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 7/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7.7/4 किलोमीटर हमारा आंसर इस क्वेश्चन का निकल करके आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ताकि आपकी क्वेश्चन ईजी से बन जाए, ठीक है। ये हमारे राकेश यादव सर भी कहा करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर एंड बिकम 15 मिनट लेट। यानी कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वो 15 मिनट लेट हो जाता है, बट इफ़ ही ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विथ 12 किलोमीटर पर आवर देन ही बिकम 5 मिनट लेट, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस हमें इस पर निकालना है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक मैन है, ठीक है, वो अपने घर से निकलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है और वो 15 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, 15 मिनट लेट हो जाता है। फिर वो अगले दिन निकलता है
फिर वो अगले दिन सेम डिस्टेंस को निकलता है वही मैन, तो वो इस बार 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है, और वो क्या हो जाता है 5 मिनट इस बार लेट हो जाता है, 5 मिनट इस बार भी लेट हो जाता है। देखिए क्वांटिटी दोनों सेम है, मैंने आपको बताया था क्वांटिटी दोनों अलग रहेगी तो ऐड करेंगे, और क्वांटिटी दोनों सेम रहेगी तो हम इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इस सिचुएशन में भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 10 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 15 में से 5 जाएगा 10 आएगा, तो 10 हम यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं, ये हमारे पास टाइम आ गया निकल करके मेन, तो हम यहाँ पे अब निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड यहाँ पे क्या है 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना 12 बाय, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, हमने बताया था डिस्टेंस जो 12 में से छोटे को घटाते हैं तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे टाइम जो है वो मिनट में है तो यहाँ पे 10 मिनट हमारे पास था, 10 बाय हम यहाँ पे 60 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 अब हम काटेंगे, 6 2 जाए 12, और फिर 2 से 2 कट जाएगा, 10 हमारे पास बच के आ गया, तो ये हो गया 10 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान सा सवाल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान आपके लिए रहेगा ये चैप्टर, काफ़ी आसान उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा, किसी तरह की कठिनाई नहीं हो रही, और उम्मीद है कि आपको मेरी हैंडराइटिंग भी समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, स्कूटर से सर्टेन डिस्टेंस वो चलता है, ठीक है, एंड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि वो अपने अगर जो एस डिस्टेंस से चल रहा है तो वो 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा फास्ट चल रहा है, 40 मिनट कम ले रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, सीधे से हम सॉल्व करते हैं फार्मूला पे डाल करके, ठीक है। तो देखिए सपोज कि देखिए इसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति चल रहा है स्कूटर पे, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो इसका स्पीड है उससे 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो सपोज इसका हम स्पीड मान लेते हैं 3 किलो एस मान लेते हैं, इनटू हम दोनों डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते थे आपको याद होगा, फिर ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देते 3 किलोमीटर फास्टर, यानी कि पहले वो एस चल रहा था तो अब 3 किलोमीटर और ज़्यादा चल रहा है तो हम एस प्लस 3 करेंगे, ठीक है, बाय, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस हम यहाँ पे सेम यही लिखेंगे 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, क्योंकि ये देखिए पहला का जो 10 था अभी कुछ भी हो तो लेकिन दोनों के बीच के अंतर क्या है 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो इसलिए हम 3 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे इसके नीचे में डिफरेंस लिख लेंगे टाइम डिफरेंस, उसके बाद यहाँ पे हम देखिए डिस्टेंस की डिफरेंस लिख लिया, अब यहाँ पे टाइम लिखेंगे, टाइम यहाँ पे 40 मिनट है, 40/60 हम इसे आवर में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड स्टेप में कह रहा है बट इफ़ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर, सपोज उसका स्पीड एस था और वो अब अपने स्पीड में 2 किलोमीटर की घटौती कर देता है, 2 किलोमीटर पर आवर की घटौती कर देता है, ठीक है, और उसकी टाइम डिफरेंस सेम यही रहेगी 2 किलोमीटर, और टाइम जो है वो 40/60 रहेगा, तो 40/60 यहाँ पे कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s प्लस 6 लिखेंगे बराबर, ये अगर जो हम 3 से इस तरफ गुना करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 3s माइनस 6, ठीक है। तो देखिए s हमें निकालना है तो हम s लिखेंगे, तो देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, तो हमारे पास स्पीड आ गया 12, ठीक है फ्रेंड, हमारे पास स्पीड निकल के आ गया 12 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड निकल के आ गया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस वाला फार्मूला में डालेंगे, डिस्टेंस अब हमें निकालना है, ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए स्पीड यहाँ पे हमारा 12 आ गया, यानी कि पहले स्पीड 12 था, अब 12 पे हमने यहाँ पे क्या लिखा प्लस 3 लिखा, तो सेकंड वाला स्पीड हमारे पास कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15, यानी सेकंड स्पीड हमारे पास ये निकल के आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 गुना में 15 बाय, दोनों की डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे तो डिफरेंस यही रहेगी, और टाइम है 40/60, ठीक है। तो देखिए इस सिचुएशन में 40/60 आ गया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 1/4 टाइम ये काट देगी, ठीक है, और 40 10 बार में काट देगा, ठीक है, 3/4 जा, ठीक है, तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर इसकी आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ी ज़्यादा खिचपिच हो गई, वैसे आप
आसानी से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से क्लियर से आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में आपने ये तो समझ लिया कि हमें किस तरह से इसे निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन में और सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम इसमें आपको इजीली समझा देते हैं एक बार फिर से। तो देखिए इसका स्पीड एस था, ठीक है, पर वो 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, तो एस प्लस 3 हम यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर निकाल रहे हैं और 40 उसकी टाइम थी, टाइम जो वो टेकिंग कर रही थी 40 मिनट लेस उसे लग रहा था। 40/60 हम यहाँ पे लिखे थे और बराबर यहाँ पे लिखेंगे स्पीड इनटू स्पीड माइनस 2, जो कि हमने यहाँ पे सेकंड स्टेज में पर 2 किलोमीटर पर आवर से घटा देता है यानी कि डिक्रीज़ कर देता है, और 40/60 तो यहाँ पर रहेगा ही। बाय यहाँ पे हम टाइम डिफरेंस यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे था 3, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हम जब यहाँ पे सॉल्व किए तो हमारे पास स्पीड निकल के कितना आया था 12, ठीक है, यानी कि हमारा स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड निकल के आया था, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर हमारा यहाँ पे स्पीड निकल करके आया था, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए 12 किलोमीटर पहला स्पीड है, तो 12 प्लस 3 हम यहाँ पे करेंगे, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस स्पीड, तो स्पीड हमारा है 12, ठीक है, 12 गुना इस वाले पे हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो 1 पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 12 आ गया, और 12 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 15, बाय टाइम डिफरेंस 3 ही है और यहाँ पे स्पीड है, टाइम दिया हुआ है 40/60 मिनट, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे जैसे कि सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया था हमने यहाँ पे 15 से इसे कैंसिल किया, कितने बार में, 4 टाइम में, फिर 4 से इसे कैंसिल किया कितने टाइम में, 10 टाइम में, ठीक है, फिर 3 को इसे कैंसिल किया 4 टाइम में, तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 10 बचा, 4 × 10 = 40 किलोमीटर, ये आ गया हमारे पास निकल करके आंसर, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, कार से चल रहा है एंड हेड ट्रैवल 6 किलोमीटर फास्टर। देखिए ये भी सेम वही तरह का क्वेश्चन है और इसे 4 घंटा कम टाइम लगता है। बट इफ़ ही ड्राइव 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर जो अपने घटौती कर देता है स्पीड में, तो उसे 6 घंटे लग जाते हैं उसे चलाने में, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस निकालते हैं हम आसानी से, कंपेयर करके निकालेंगे दोनों की। देखिए पहला की हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, और जो उसका स्पीड था एस गुना, और स्पीड में क्या कर दिया, वो स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, तो स्पीड प्लस 6 किलोमीटर पर आवर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इंटू टाइम लगाया 4, ठीक है, टाइम लगाया 4 घंटा 4 आवर लेस, ठीक है, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस यहाँ पे आ गया 6 किलोमीटर, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे स्पीड इनटू स्पीड प्लस 6 किलोमीटर स्लोअर, तो हम इस पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे गलत हो गया, चलिए इसे मैं रब कर देता हूँ। स्पीड माइनस 6 और यहाँ पे टाइम डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास टाइम डिफरेंस आ रहा है 6 आवर्स मोर एंड फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि 6 घंटा और लगा रहा है, तो यहाँ पे 6 घंटा और यहाँ पे टाइम डिफरेंस यहाँ की 6 ही आ गई, ठीक है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगी ये आपको बताते हैं हम। तो देखिए इतना तक आ गए, हमें यहाँ पे क्या करना है, स्पीड निकालनी है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2/3 हम यहाँ पे इतना तो लिख ही सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे, ये 2 को हम यहाँ नीचे करेंगे, ठीक है, तो स्पीड है हमारे पास यही वाला, ठीक है फ्रेंड, फिर हम स्पीड से स्पीड यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो 2 था ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 से हम इसको क्या करेंगे, सेम पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2s + 12 = 3, यहाँ पर हमारे पास बचा है, 3 को यहाँ पर करेंगे तो ये 3s - 18 आ जाएगी, ठीक है। एस हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास एस निकल के कितना आ जाएगा, ये -18 है, ठीक है, हम इसे उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 18 + 12 हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड आ गया। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड, हमें निकालना है डिस्टेंस, तो चलिए
इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, साइड पे जगह बना लेता हूँ। बस हमें यहाँ पे इतना याद कर लेना है कि हमारे पास स्पीड निकल के आ गया कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर आ गया है, ठीक है। साइड का मैं रब कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको आगे की ज़्यादा जो डिस्टेंस निकालनी है वो हम डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पर आसानी से, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा जो स्पीड था 30, अब 30 पे 6 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 36 बाय 6, टाइम डिफरेंस 6 लग रहा था और ये 4 आवर लेट हो जा रहा था, ठीक है। तो 4 हम यहाँ पे सेम यहीं पे वही लिख देते हैं, ठीक है। बस अब हम इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 2 2 जा 2 3 जा, तो 3 10 टाइम में कट जाएगी, ठीक है। तो ये 36 × 2 हो जाएगा 72 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, ठीक है। तो हमारा आंसर 720 किलोमीटर डिस्टेंस निकल के आ गया है, 720 किलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है ए मैन ट्रेवल डिस्टेंस विथ हिज कार, कार से वो अपने कुछ डिस्टेंस दूरी करता है और अपने स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीज कर देता है, ठीक है। यानी कि उसकी स्पीड पहले एस थी तो अपने स्पीड में 10 किलोमीटर और बढ़ा लेता है। तो स्पीड प्लस 10 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर और बढ़ा लेता है और टाइम उसे लगता है 1 आवर की, ठीक है। 1 आवर की उसे टाइम लगती है और जो यहाँ पे हाँ 1 आवर की टाइम और जो डिस्टेंस की यानी कि स्पीड की जो डिफरेंस है वहाँ पे हमारे पास 10 यही हमारे पास बचता है। और आगे हम लिखेंगे तो आगे यहाँ पे दूसरा सिचुएशन बताया गया है, बट इफ़ यू फर्दर इंक्रीज, देखिए फर्दर इंक्रीज के बारे मतलब ये होता है जितना था उस पे फर्दर यानी कि उस पे और इतना गुना इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले जो डिस्टेंस था उस पे और इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो देखिए और 10 किलोमीटर बढ़ा लेता है, यानी कि पहले स्पीड एस था गुना और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले वो 10 बढ़ाया था बट इस बार वो 10 और बढ़ा लेगा, कि फर्दर इंक्रीज की बात हो रही है, फर्दर इंक्रीज की, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और बढ़ा लेगा तो कितना हो जाएगा, s s+20 हम लिखेंगे, ठीक है, s+20 हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो टाइम है उसे लग रहा है टाइम कितना, 45 मिनट लेसर टाइम, यानी कि जो पहले उसे लग रहा था 1 आवर उसमें और 45 मिनट उसे लेस टाइम लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे पहले 1 आवर तो था ही हमारे पास बट उसे अब 45 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, 45 मिनट एक्स्ट्रा ले, तो 45 मिनट को हम बदल देंगे आवर में, ठीक है। तो देखिए 45 मिनट को आवर में बदलने सिटी से डिवाइड कर देते तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 15 से करेंगे तो 3 बार और ये 4 बार, ठीक है, यानी कि 3/4। तो फिर इसे हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो 4 × 1 = 4, 4 + 3 = 7, 7/4 हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7/4 यहाँ पर लिखेंगे सिंपली, और जो टाइम और जो डिस्टेंस स्पीड की जो डिफरेंस हो जाएगी 10 तो थी ही और फर्दर इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे 10 20 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 20 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी निकल करके, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ 10 से 20 को कैंसिल करेंगे, 2 हमारे पास आएगी, स्पीड से स्पीड को हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बचा क्या 4 से इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 हो जाएगी और 8 ये जब हमारे ऊपर ले जाएंगे तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8s आएगा, 8s प्लस और 8 है हमारे पास, 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। फिर आगे हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ गया s, ठीक है, s है, 7 को हम s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7s, ठीक है, और 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140, ठीक है, 140 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए हम यहाँ पे s निकाल लेंगे तो 140 है यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, 140 - 80 जो हमारे पास निकल के आएगा वो हो जाएगा 60, यानी कि स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को हम यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं, स्पीड हमारे पास कितना निकल के आया, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड निकल के आया, ठीक है। तो चलिए इसे हम बगल में रख लेते हैं और इतना को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो देखिए अब किसी भी एक क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यू डालेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए पहले में ये डालते हैं, एस था स्पीड, ठीक है, स्पीड 60 है तो चलिए हम 60 यहाँ पे लिख लेते हैं, 60 है हमारे पास, 60 है, 60 हमारे यहाँ पे आ गया स्पीड और स्पीड 60 पे क्या 10 की इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, 10 की इंक्रीज हो गई थी तो 60 में और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70,
70, ठीक है, और डिफरेंस था हमारे पास 10 की, और टाइम लगा था 1, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे, तो ये 6 टाइम चली जाएगी, तो 6 7 जे कितना होता है 42, यानी कि 420 किलोमीटर, ठीक है, 420 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास निकल करके आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हमारे इतना ही रहा, और आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको अगला लेक्चर कब लेकर के आऊँ, ठीक है, जितना जल्दी आप कमेंट करते हैं मैं आपको जल्द से जल्द उतने ज़्यादा आपकी चैप्टर में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, राकेश यादव सर की सारे क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है आपको सारे अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको अगला वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अगर जो ज़रूरत होगी तो ही हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।